नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख बड़ी खबरें देखेंगे। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, पीएम आवास योजना का नया सर्वे अगले हफ्ते से शुरू होगा। शिवराज बोले, दो पहिया वाहन मोबाइल 15,000 की आमदनी पर भी मिलेंगे आवास। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते से नए सिरे से सर्वे शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपात्रता की 4 शर्तें हटा दी हैं। जो शर्तें हटाई गई हैं उसके बाद मोटरसाइकिल, फोन और 10,000 की आमदनी रखने वाले लोगों को भी योजना में आवास मिल सकेंगे। साथ ही किसानों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तों में रियायत दी गई है। तो ये है पीएम आवास योजना की सर्वे से संबंधित प्रमुख बड़ी खबर। अक्टूबर के पहले हफ्ते से पीएम आवास योजना का सर्वे होगा। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, इस दिन से मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई, अब नहीं बरसेंगे बादल, तरस जाएंगे बरसात के लिए। मध्य प्रदेश में मानसून का सीजन खत्म होने वाला है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 17 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर के बाद मानसून प्रदेश से विदा हो जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रदेश के ग्वालियर चंबल से होगी। तो ये मौसम विभाग से संबंधित बड़ी खबर है, 5 अक्टूबर के बाद मध्य प्रदेश में मानसून दिखाई नहीं देंगे, मानसून की विदाई हो जाएगी, बरसात के लिए तरस जाएगा मध्य प्रदेश, सबसे पहले मानसून हटेगा ग्वालियर चंबल से। तो ये बड़ी खबर है मानसून से संबंधित। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मोहन सरकार ला रही है दमदार योजना। मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को अब मकान किराए पर देकर उन्हें मकान का मालिक बनाया जाएगा। राज्य सरकार हायर परचेस मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत शासकीय कर्मचारी को मकान किराए पर देकर किस्तों में मकान की वास्तविक कीमत का भुगतान करना होगा और अंतिम किस्त के भुगतान के बाद कर्मचारी को मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है कर्मचारियों से संबंधित। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित बड़ी खबर है, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तारीख में बदलाव हुआ है। इस दिन तक अप्लाई कर सकेंगे फॉर्म के लिए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख में बदलाव किया है। मंडल ने आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है, अब 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी। तो ये यहां पर बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तारीख में बदलाव से संबंधित बड़ी खबर है। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, ये यहां पर मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित बड़ी खबर है, वन विहार सहित प्रदेश भर के नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खुलेंगे, बुकिंग शुरू हो जाएगी, जंगल सफारी भी की जा सकेगी। चीता प्रोजेक्ट से जुड़े कूनो नेशनल पार्क को छोड़कर 1 अक्टूबर से भोपाल के वन विहार सहित मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, वन विहार सहित मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे हम, 2 साल से ज़्यादा के 2,000 मामले हैं भोपाल में, नामांतरण और बंटवारे के 6 माह पुराने मामले निपटेंगे सबसे पहले। तो ये बड़ी खबर है नामांतरण और बंटवारे से संबंधित, राजस्व विभाग के 6 माह पुराने मामले सबसे पहले निपटाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, ये बड़ी खबर है दीपावली से संबंधित, दीपावली कब मनाई जाएगी इस संबंध में इंदौर में 200 पंचांगकारों की बैठक हुई थी, जिसमें यहां पर निर्णय लिया गया था कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत होगा। इंदौर के पंडितों की बैठक में फैसला लिया गया, 29 अक्टूबर को धनतेरस, 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी, 1 नवंबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाईदूज मनाने का निर्णय इंदौर के पंडितों की बैठक में लिया गया। तो ये बड़ी खबर है। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, महाकाल मंदिर के सामने की दीवार गिरने पर पुलिस कर्मियों को जो निलंबन किया गया था उसका विरोध किया जा रहा है। गौरतलब हो कि महाकाल मंदिर के सामने दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब महाकाल मंदिर के सामने की दीवार गिरने पर पुलिस कर्मियों के निलंबन का विरोध शुरू हो गया है। तो ये बड़ी खबर है। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, बूथ समिति को सक्रिय कर सदस्यता में इतिहास बना, ये बीडी शर्मा ने कहा है यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से। सभी जिलों में हुई सदस्यता अभियान की समीक्षा, बूथ समिति को और अधिक सक्रिय कर सदस्यता में इतिहास बनाए और अधिक से अधिक भाजपा के सदस्य बनाए, इस संबंध में बीडी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करी है। तो ये बड़ी खबर। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, निवेशकों को लुभाने के लिए जंगल खनिज से लेकर नदियों तक की ब्रांडिंग कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। अभी हाल ही में सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संपन्न हुआ है, इसी से संबंधित ये भी बड़ी खबर है। उद्योगपतियों को प्रदेश से जुड़ी हर खासियत बता रहे हैं अफसर, निवेशकों को लुभाने के लिए जंगल खनिज से लेकर के नदियों तक की ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। तो ये बड़ी खबर है यहां पर। अगली यहां पर बड़ी खबर देखेंगे, ये यहां पर फसल बीमा योजना से संबंधित बड़ी खबर है, फसल की सुरक्षा का वरदान, पॉलिसी हाथ में पाया किसान,
फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ। तो ये फसल बीमा योजना से संबंधित बड़ी खबर है। 70 करोड़ से अधिक किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं। 1.65 लाख करोड़ के दावों का भुगतान भी किसानों को पीएम मोदी सरकार द्वारा किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, मध्य प्रदेश में 10 साल में वृद्धाश्रमों की संख्या 10 से बढ़कर 95 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में वृद्धाश्रमों की संख्या 10 से 95 हो गई है, इस संबंध में बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 2014 में वृद्धाश्रम में रह रहे थे केवल 1645 बुजुर्ग, लेकिन अब 2024 में बढ़कर ये संख्या 12459 पहुंच गई है। तो ये यहाँ पर वृद्धाश्रमों से संबंधित आंकड़ा है, 10 से बढ़कर के 95 हो गई है संख्या मध्य प्रदेश में वृद्धाश्रमों की। तो ये बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, ये क्रिकेट से संबंधित बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश रणजी टीम घोषित हो गई है, कर्नाटक से पहला मुकाबला होगा 11 अक्टूबर को। तो ये यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित बड़ी खबर है। तो ये है यहाँ पर आज की मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी खबरें। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मध्य प्रदेश समाचार से संबंधित प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।